मामला शिवपुरी जिले का है, जहां विधायक और शहरी अशिक्षक बेरोजगार युवकों के बीच उस समय जमकर गहमा गहमी हुई जब विजयपुर क्षेत्र के शहरिया शिक्षित बेरोजगार युवक शासन के निर्देश अनुसार शिवपुरी जिले में शहरिया जनजाति के शिक्षक बेरोजगारों को सीधी भर्ती के माध्यम से शासकीय सेवाओं में पदस्थ करने की मांग को लेकर शिवपुरी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहाँ शहरिया शिक्षित बेरोजगार युवकों का सामना विजयपुर विधायक सीताराम आदिवासी से हुआ, जहाँ विधायक और आदिवासी युवकों के बीच ज्ञापन देने के मामले पर जमकर गहमा गहमी हुई। इतना ही नहीं, विधायक सीताराम आदिवासी और आदिवासी युवकों के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। बताया जा रहा है कि विधायक ने ज्ञापन देने पहुंचे आदिवासी युवकों से स्वयं द्वारा ज्ञापन देने की बात कही है, जिस पर आदिवासी युवकों ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर दी। वहीं युवकों द्वारा की जा रही नारेबाजी से बौखला का विधायक सीताराम आदिवासी ने शहरिया शिक्षित बेरोजगार युवकों के साथ धक्का मुक्की कर दी, जिसके बाद शिक्षित बेरोजगार शहरिया जनजाति के युवक द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। शिवपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। कुछ बात नहीं हुई थी, बस सिर्फ हम कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन शांतिपूर्वक ज्ञापन देने के लिए आए थे। विधायक जी को हमने नहीं बुलाया था, माननीय सीताराम जी को बिन बुलाए में ना बुलाए वो आ गए। हमने कोई हम जब ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर महोदय जी से बात करना चाह रहे थे, अपनी मांगों को मौके के रूप से भी बताना चाहते थे उनको। लिखित रूप से तो हमने ज्ञापन दे दिया है, लेकिन मौके के रूप से भी हम उनको बताना चाहते थे। लेकिन इसी बीच सीताराम माननीय विधायक जी विजयपुर क्षेत्र से वो आ गए और हमसे कहने लगे कि आप सरकार के खिलाफ एक शब्द भी ना बोलोगे, अगर बोलोगे तो हमारा काम नहीं होगा। वो वहाँ से फोन करके मेरे द्वारा अगर तुम मेरे पीछे लगोगे तो ही तुम्हारा काम होगा, इस प्रकार से माननीय विधायक जी के द्वारा कहा गया। इसी बीच हमने ज्ञापन देने के लिए हाथ बढ़ाया कलेक्टर महोदय जी को, तो इसी में विधायक जी आ गए, नहीं के इधर आ मेरे पास, मैं दूंगा ज्ञापन। इस प्रकार से जो गलत है, अगर माननीय विधायक जी को हम बना भी सकते हैं तो हमारा ये शहरिया शिक्षित बेरोजगार छात्र संगठन है, पूरे जिले से शिवपुरी से अशोकनगर गोना सभी क्षेत्र में हमारा फैला हुआ है। अभी एक आवास पे हम धारणा के लिए अगर बैठ जाएंगे, अगर विधायक जी ऐसा चाहेंगे तो। भाई मैं यहाँ साथियों से निवेदन करना चाहूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? नेत्राम देवरिया। नेत्राम देवरिया छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष। तो ये विधायक जी से? विधायक जी से कोई बात नहीं है, पहले तो हम अपनी मांग रखने के लिए आए, जो शहरी शिक्षित बेरोजगार है ना, उनके लिए सीधी भर्ती की मांग करना है हमारा। तो शासन से ऐसा वो नियम है सीधी भर्ती का, उसके लिए हम अपनी मांग रखने के लिए आए। लेकिन विधायक जी क्या बोल रहे हैं कि हमारे हमारे शासन के खिलाफ कुछ गलत शब्द मत बोलना, ये बोल रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं हमारे छात्र संगठन का जो अध्यक्ष प्रत्यक्ष अध्यक्ष उसके साथ में धक्का मुक्की कर रहे हैं विधायक साहब ने। विधायक साहब अभी मुर्दाबाद के भी नारे लगाए, मुर्दाबाद के लगाएंगे, उनकी सत्ता खत्म होने को आ गई। वो तब कहाँ थे भाई, सो रहे थे क्या? हमारी बात विधानसभा में मांग नहीं उठा, आपके समाज के लिए आज तक कोई प्रयास नहीं किया, कुछ नहीं किया सर, किसी भी गांव में किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। परेशान, लाइट के लिए परेशान, हम लोग परेशान, कोई मांग नहीं।